Going to discuss question number 4 of exercise 3.4 integral under root a square minus x square. A square minus x square की integral लेने के लिए आप इसके साथ multiply करेंगे 1 और उसी multiply करेंगे 1 तो आपके पास आ जाएगा multiply by 1 dx. अच्छा ये जो function है क्योंकि इसकी integration नहीं है, इसकी integration आप direct नहीं निकाल सकते, तो ये आपके पास आ जाएगा first function और ये आपके पास आ जाएगा second function. इसको मैं बराबर ले रहा हूँ i के, तो i is equal to आपके पास first function a square minus x square as it is, integral of second function 1 dx minus capital integration derivative of first function or integral of second function capital dx. अब आपने क्या करना है, ये आपके पास आ जाएगा i is equal to under root a square minus x square और integral of 1 आपके पास बराबर होता है x के, minus डेरिवेटिव इसका लेंगे तो पावर पहले और पावर में से एक आप क्या कर देंगे माइनस, माइनस वन बाई टू आ जाएगी पावर, वन बाई टू माइनस वन माइनस वन बाई टू, और अंदर वाले फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस टू एक्स आ जाएगा. इस फंक्शन का दोबारा आपने डेरिवेटिव लेना है तो आपके पास माइनस टू एक्स आ जाएगा, और अब वन का इंटीग्रल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स और डी एक्स कैपिटल वाला. इसको माइनस वन बाई टू को नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस इंटीग्रल, ये माइनस और माइनस प्लस कर लें, माइनस माइनस प्लस, और ये टू एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर आपके पास हो जाएगा, टू और टू कैंसल आउट, एक्स और एक्स हो जाएगा एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट डी एक्स. अंडर रूट क्यों लिखा है, अंडर रूट लिखने की वजह यह है कि आपके पास पावर आएगी वन बाई टू और वन बाई टू आपके पास अंडर रूट के बराबर है. अच्छा अगर ये नीचे मैं नोट करूं तो ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर है और इसका डेरिवेटिव लूं तो टू एक्स आता है, जबकि मेरे पास तो एक्स स्केयर मौजूद है. मैं एक काम करता हूं, मैं ये जो इसको माइनस करता हूं तो ये माइनस ए स्केयर हो जाएगा मेरे पास, मैं वो जो साइन मैंने दिया था वो मैं नहीं चेंज किया तो ये माइनस एक्स स्केयर. अब इसके साथ क्या चाहिए ए स्केयर, तो मैं ए स्केयर प्लस में और ए स्केयर माइनस में लिख देता हूं. अब ये करने से क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 3.3 के अंदर भी किया था. अब इसमें होगा ये कि आई बराबर आ जाएगा एक्स अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर के माइनस इंटीग्रल ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डीएक्स, और ये जो आपके पास माइनस ए स्केयर है ये आप अलग कर लें तो माइनस इंटीग्रल माइनस ए स्केयर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डीएक्स, तो ये आपके दो पार्ट बन जाएंगे, एक बन जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर के साथ और एक बन जाएगा ए स्केयर के साथ. अब ये जो दो पार्ट है इसमें से इसको आप सॉल्व करें तो ऊपर पावर वन है नीचे वन बाई टू है, तो ऊपर जाके माइनस वन बाई टू आ जाएगी, तो वहां पे ऊपर पावर वन बाई टू आ जाएगी यानी ऊपर अंडर रूट की फॉर्म आ जाएगी. इसका मतलब है आई बराबर आ जाएगा आपके पास एक्स अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस आई, आई नहीं बल्कि मैं आपको पहले उसका लिख के दिखाता हूँ फिर आई लिख देंगे, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डीएक्स, क्योंकि ये पावर वन है ये पावर वन बाई टू है, ऊपर जाके वन माइनस वन बाई टू हो जाएगा तो पावर आपके पास आ जाएगी वन बाई टू, और यहाँ पे माइनस और ये माइनस प्लस ए स्केयर बाय कर ले इंटीग्रल वन ओवर अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डीएक्स. इसके बाद आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस आई, आई को लिख दिया मैंने, ये आई के बराबर है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, वो भी ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर है वो आई के बराबर आ गया, इसको मैंने आई लिख दिया प्लस ए स्केयर, और ये किस चीज का फॉर्मूला है वन ओवर अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, अगर मुझे याद है तो ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला है और इसका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए. अगर ये ए की जगह वन होता तो एक्स बाय वन होता है, और अगर यहाँ पे कोई टर्म ए लिखी है बी लिखा है कोई भी स्केयर लिखा हुआ है तो वो स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते प्लस कॉन्स्टेंट सी, क्योंकि आके इंटीग्रल खत्म हो गया. ये माइनस आई साइड पे आगे हो जाएगा आई प्लस आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए. आई प्लस आई टू आ जाएगा वो टू साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास प्लस कॉन्स्टेंट सी टू आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो आई इज इक्वल टू वन बाय टू टाइम्स एक्स इंटीग्रल ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर साइन इनवर्स ऑफ
x by a plus constant c, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब जो आपके पास क्वेश्चन है वो सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की जगह आपके पास नंबर आ गए, जहां ये लिखा हुआ था वहां 4 दे दिया है और x के साथ 5 आ चुका है। इसके साथ भी आप मल्टीप्लाई कर ले 1, और 1 आपके पास फर्स्ट फंक्शन और ये आपके पास सेकंड फंक्शन, सॉरी ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन और 1 आपके पास सेकंड फंक्शन, तो आपके पास i इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर इंटीग्रल x dx माइनस कैपिटल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 1 स्मॉल dx एंड कैपिटल dx। तो ये आपके पास हो जाएगा जो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता है। अच्छा ये 1 है, अच्छा तो i इज इक्वल टू 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटीग्रल ऑफ 1 x माइनस डेरिवेटिव 1 बाय 2 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाय 2, क्योंकि 1 बाय 2 माइनस 1 माइनस 1 बाय 2, और इसका जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 10x, 2 पहले आ जाएगा 2 5 जा 10 और x, और इसका इंटीग्रल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x और dx कैपिटल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो i इज इक्वल टू x अंडर रूट 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल 2 1 जा 2 2 5 जा 10, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 5 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर dx, ये 5 और ये x और x मल्टीप्लाई के एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस और ये ऊपर पावर नेगेटिव 1 बाय 2 है, नीचे जाके प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 का रूट ले दिया आपने। इसके साथ आप 4 ऐड कर ले और 4 सब्ट्रैक्ट कर ले, जैसे वहां पे आपने ए स्क्वायर ऐड किया था और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया था, तो यहां पे i इज इक्वल टू x इंटीग्रल 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास जो है dx माइनस इंटीग्रल माइनस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर और dx, याद क्लियर हो गया आपको। अब आपने क्या किया, ये वाला सेम वही स्टेप आपके पास दोबारा रिपीट होगा, तो i बराबर आ जाएगा x इंटीग्रल 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल अंडर रूट 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर, ऊपर होल पावर 1 है, नीचे पावर है 1 बाय 2, 1 माइनस 1 बाय 2 ऊपर आएगी तो पावर नेगेटिव होगी ना, तो वो आपके पास 1 बाय 2 प्लस में आ जाएगा, तो प्लस वाला अंडर रूट में लिख दिया, माइनस माइनस प्लस कर ले, 4 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल 1 ओवर अंडर रूट 4 को 4 को लिख दे 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट 5 एक्स का होल स्क्वायर dx। अच्छा अब आपके पास ये आ गई वैल्यूज, तो अब आप क्या करेंगे, i इज इक्वल टू x अंडर रूट 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस i, क्योंकि ये पूरी वैल्यू आपके पास किसके बराबर है, i के, तो आप इसकी जगह पे i लिख देंगे, 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटीग्रल 1 ओवर, मैं 2 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, 2 स्क्वायर कॉमन अंडर रूट में से, तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 5 एक्स डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर साथ dx। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों में से 2 स्क्वायर कॉमन लिया, एक में से तो 2 स्क्वायर आ गया, दूसरे में से अब 2 स्क्वायर नहीं आ सकता, तो वहां पे आप 2 स्क्वायर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो होल अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा ये 2 स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो आ जाएगा एक्स आई प्लस आई, ये आई इधर आके प्लस हो जाएगा, एक्स अंडर रूट 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर निकालने की वजह से अंडर रूट से बाहर जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, तो आपके पास 2 बाहर आ जाएगा और आपके पास इंटीग्रल में रह जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 5 एक्स डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर dx। अब ये जो साइन इनवर्स का फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे इसका डेरिवेटिव साथ चाहिए, इसका डेरिवेटिव साथ चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट 5 बाय 2 से मल्टीप्लाई और अंडर रूट 5 बाय 2 से डिवाइड, जो चीज मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वही चीज मुझे क्या करनी पड़ेगी, डिवाइड करनी पड़ेगी, ये 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो 2i इज इक्वल टू x इंटीग्रल 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला आपने बाहर लिख दिया,
अब ये फंक्शन और साथ डेरिवेटिव मौजूद है तो ये बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5x डिवाइडेड बाय 2 के प्लस कॉन्स्टेंट टाइम सी। ये जो 2 है ये आप उस साइड पे डिवाइड करेंगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, आई इज इक्वल टू एक्स बाई टू इंटीग्रल 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 2 बाय अंडर रूट 5 साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5x डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अच्छा ये जो 2 जाएगा नीचे डिवाइड में, ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो आपके पास आ जाएगा 2 बाय अंडर रूट 5 साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5x बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये आपका आंसर इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 5 आपने बिल्कुल वैसे करना जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 इसी का यानी पार्ट नंबर 2 किया आपने, और ये वाला जो क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर यानी 6 जो है पार्ट नंबर 6, तो वो आपके पास सेम आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 जो हमारी पिछली उसमें मौजूद है वीडियो में, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स के लिए पहले मैं आपको एक फार्मूला ड्राइव कराता हूँ, और वो फार्मूला क्या है आपके पास, अगर मेरे पास e पावर ए एक्स और साथ मेरे पास मौजूद है फंक्शन ऑफ एक्स, e पावर ए एक्स और साथ क्या मौजूद है फंक्शन ऑफ एक्स, और मैं इसका लेता हूँ डेरिवेटिव d बाय dx, तो मेरे पास क्या आ जाएगा e पावर ए एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स सॉरी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ e पावर ए एक्स। आपने लगा दिया प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद इधर आपके पास सॉल्व करें तो e पावर ए एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब है डेरिवेटिव, प्लस एफ ऑफ एक्स एज इट इज और इसका डेरिवेटिव लें तो e पावर ए एक्स का डेरिवेटिव e पावर ए एक्स, और दोबारा डेरिवेटिव लेंगे ए एक्स का यानी फंक्शन ऑफ एक्स जो e की पावर में है उसका डेरिवेटिव लें तो वो आ जाएगा a के बराबर। अब मैं इन दोनों में से e पावर ax कॉमन ले लेता हूं, तो e पावर ax कॉमन a फंक्शन ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x, ये मैंने पहले लिख दिया है और ये मैंने बाद में लिख दिया सिर्फ, यानी इसका डेरिवेटिव इसके बराबर है, तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax a फंक्शन ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x किसके बराबर है आपके पास dx, वो बराबर है e पावर ए एक्स फंक्शन ऑफ x के, ये डायरेक्ट रूल है। अगर इसका डेरिवेटिव इसके बराबर है तो इसकी इंटीग्रेशन उसी फंक्शन के बराबर आएगी, क्योंकि डेरिवेटिव एंड जो इंटीग्रेशन है बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो गया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें e पावर ax है साथ फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम उसको इजीली कन्वर्ट करके फार्मूला लिख के और उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के जो पार्ट्स हम करें, ये आपके पास e कैट टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जब टेस्ट देते हैं यूनिवर्सिटीज के तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा e पावर x मल्टीप्लाई 1 ओवर x प्लस log ऑफ x, अब जो मेरे पास e पावर x है वो तो e पावर x ही है, इसकी मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू 1 के बराबर है, a की वैल्यू 1 के बराबर है क्योंकि x के साथ कोई चीज मौजूद नहीं है, और फंक्शन ऑफ x मेरे पास किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ x बराबर है log ऑफ x के, फंक्शन ऑफ x किसके बराबर है log ऑफ x के, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं f डैश ऑफ x तो वो बराबर होता है 1 ओवर x के। अगर मैं यहां पुट कर दूं तो मेरे पास ये कुछ यूं बन जाएगा इंटीग्रल e पावर x और फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव dx, इधर मैंने f ऑफ x ही देगा log ऑफ x ही f ऑफ x और 1 ओवर x f डैश ऑफ x। अब a मेरे पास 1 था, वो यहां पे लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे पास, या लिख दें आप 1 और यहां पे भी आपके पास 1 आ जाएगा, तो मेरे पास ये किस चीज का फार्मूला है, अगर मैं फार्मूला लिखूं तो e पावर ax a फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव dx बराबर है e पावर ax फंक्शन ऑफ x के, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका, इसका ये मेरे पास फार्मूला है, तो फार्मूले इसका आंसर आपके पास आ जाएगा e पावर x log ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट c। इसी तरह ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके पास a बराबर है a के, f ऑफ x बराबर है secant inverse ऑफ x के। अगर आपको ये महसूस ना हो रहा हो कि इसमें से फंक्शन कौन सा है यानी आपका, तो आप ये नोट कर लें जिसके साथ a लिखा हुआ हो या इसकी जो पावर है वो जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है,
तो वो आपके पास फंक्शन, और मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन तीनों वैल्यूज को यहां पुट कर लूं तो मेरे पास बन जाएगा ई पावर ए एक्स ए टाइम्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर नहीं आएगा, ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। अब जैसे मुझे फार्मूले का पता है, फार्मूला मेरे पास वही जो आपने यहां पुट कर दें, तो अगर मेरे पास इंटीग्रल ई पावर ए एक्स ए टाइम्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है ई पावर ए एक्स फंक्शन ऑफ एक्स के, तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, ई पावर ए एक्स फंक्शन ऑफ एक्स। तो मेरे पास ई पावर ए एक्स ए क्योंकि वही है वो एज इट इज आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर है सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स के, तो ये आपका आंसर प्लस कॉन्स्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4 ई पावर 3x 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। सबसे पहले मुझे इसको फार्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ना डेरिवेटिव बनता है ना कहीं पे फंक्शन बन रहा है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये अंदर वाली साइड ले रहा हूं, और मेरे पास जो अंदर वाली साइड है 3 साइन एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये मैंने अंदर वाली साइड ली है सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 1 बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स और मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन एक्स। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 secant x, नहीं सॉरी 3 cosecant x माइनस ये आपके पास cot x और साथ cosecant x, क्योंकि 1 ओवर साइन cosecant cos ओवर साइन आपके पास cot x। अब इसको दोबारा यहां सब्सिट्यूट कर दें तो आपके पास बन जाएगा इंटीग्रल e पावर 3x 3 cosecant x माइनस cosecant x cot x और dx। अब आपको सिंप्लीफाई सिंपल फॉर्म में पता लग गया है a बराबर है 3 के, f ऑफ x बराबर है cosecant x के, और f ऑफ x का डेरिवेटिव ले तो f डैश ऑफ x बराबर आएगा माइनस cosecant x cot x के। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दें तो आपके पास सेम चीज क्या बनेगी, e पावर ax a f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx e पावर ax a f ऑफ x माइनस f डैश ऑफ x। ये माइनस f डैश ऑफ x नहीं आएगा क्योंकि माइनस यहां मौजूद है डेरिवेटिव में, तो ये प्लस f डैश ऑफ x आएगा, तो वो बन गया। अब इसका आंसर मुझे पता है किसके बराबर है, e पावर ax f ऑफ x के बाय फार्मूला, वो फार्मूला आपने यहां लिख देना है। अब e पावर ए एक्स का मतलब है e पावर 3x, री सब्सिट्यूशन कर रहे हैं, और f ऑफ x बराबर है आपके पास cosecant x के प्लस कॉन्स्टेंट c, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर e पावर x। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, x ओवर 1 प्लस x का होल स्क्वायर आपने अलग कर दिया, इसमें आप प्लस 1 और माइनस 1 कर लें तो आपके पास प्लस 1 वाला x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपके पास ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जो चीज प्लस के साथ है वो आपके पास फंक्शन होगी, जो माइनस के साथ है वो डेरिवेटिव होगी क्योंकि फार्मूले में f ऑफ x के साथ प्लस है, और यहाँ पे x a भी 1 है तो आपके पास वो नेगेटिव नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन ऑफ x होगा, f ऑफ x बराबर है 1 ओवर x प्लस 1 के। अब इसका डेरिवेटिव लेके देखते हैं क्या ये चीज बनती है या नहीं बनती। अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं f डैश ऑफ x का तो मेरे पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 की पावर माइनस 1, नीचे पावर 1 थी ऊपर जाके पावर माइनस 1 होगी। तो फार्मूला लगा ले पावर रूल का तो आपके पास आ जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1, पहले इसकी पावर पहले पावर में से एक माइनस कर ले तो x प्लस 1 की पावर माइनस 1 माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x यानी x प्लस 1 का दोबारा डेरिवेटिव अंदर वाले फंक्शन का, तो ये आपके पास आ जाएगा f डैश ऑफ x माइनस 1 x प्लस 1 की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 x का डेरिवेटिव 1, और ये आपके पास माइनस 2 वाली टर्म नीचे ले जाए तो f डैश ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव बन चुका है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। इसका मतलब यह है कि इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं e पावर x 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर
एंड डी एक्स। अब ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू वन है आपके पास, तो इंटीग्रल e पावर ए एक्स ए फंक्शन ऑफ x माइनस एफ डैश ऑफ x, सॉरी प्लस एफ डैश ऑफ x dx। क्या किया मैंने, a वन है तो यहां पे मैं a लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी तरह यहां पे a मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फंक्शन ऑफ x है जो हम पहले ले चुके, और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है जो हमने बाद में फाइंड किया। तो मेरे पास इसका आंसर क्या होता है, e पावर ए एक्स एंड फंक्शन ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट c, इंटीग्रल लेंगे बाय फार्मूला, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो e पावर x और 1 ओवर x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 8, इसके अंदर आपके पास लिखा हुआ है e पावर m tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x के। आप कहते हैं t बराबर है e पावर बल्कि सिर्फ m tan इनवर्स ऑफ x के, आप दोनों तरफ डेरिवेटिव ले ले तो आ जाएगा डी टी इज इक्वल टू एम वन ओवर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये जो डी टी है, डी टी बाय एम बराबर आ जाएगा डी एक्स बाय अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर के। ये दो वैल्यूज आप अपने इस क्वेश्चन में पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ई पावर टी और साथ आ जाएगा डी टी बाय एम, वन ओवर एम बाहर, इंटीग्रल ई टी डी टी। तो ई टी का इंटीग्रल जो आएगा वो आपके पास ई ऑफ टी ही आएगा प्लस कॉन्स्टेंट सी, टी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दें तो वन ओवर एम ई पावर एम टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 9, इंटीग्रल 2x ओवर 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। आप इसको रैशनलाइज कर लें तो आपके पास आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैंने ड्रैग कर दिया है, आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन एक्स से और डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन एक्स से, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है आपके पास कॉस, सॉरी साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये जो cos square x है इसके साथ भी डिवाइड कर ले, इसके साथ भी डिवाइड कर ले तो आपके पास आ जाएगा 2x 1 ओवर cos square x माइनस sin x ओवर cos square x dx। इसको सिंपलीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल 2x secant square x माइनस secant x और tan x प्लस dx। 1 ओवर cos हो जाएगा secant और साइन ओवर कॉस हो जाएगा टेन एक्स। अब मेरे पास ये जो क्वेश्चन बन चुका है, ये बन चुका है 2x मल्टीप्लाई बाय सेकेंड स्क्वायर एक्स और 2x मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एक्स टेन एक्स। लेकिन इशू ये बनेगा, ये जब 2x है तो ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपके पास सेकंड फंक्शन होगा, और यहाँ पे लगेगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इसको आप फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लें, इसको आप सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लें, तो x की पावर बढ़ती जाएगी, हमें x की पावर कम करनी है, बढ़ानी नहीं है। तो ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन और ये आपके पास सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन रैदर इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस सेकेंड एक्स टेन एक्स डी एक्स माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ 2x इंटीग्रल ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस सेकेंड एक्स टेन एक्स डी एक्स और कैपिटल डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2x रैदर इज secant square x की इंटीग्रेशन आपके पास होती है tan x माइनस secant x tan x की इंटीग्रेशन होती है secant x माइनस। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x का, और उधर आगे वही आपके पास आ जाएगा tan x माइनस secant x dx। ये 2 बार लिख लें तो आपके पास 2x tan x माइनस secant x माइनस 2। अच्छा मैं दोबारा माइनस लिख रहा हूँ, यहाँ पे प्लस है, ये मिस्टेक ना करिएगा, यहाँ प्लस आ रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस था मेरे, वहां माइनस लिख दिया। अच्छा अब आपके पास 2 माइनस 2 आ गया, tan x की इंटीग्रेशन होती है log of secant x या log माइनस log of cos x, आप जो लिखना चाहें वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे लिख सकते हैं। tan x की इंटीग्रेशन log of secant x भी होती है और log of cos x भी होती है। दूसरा
प्लस सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन, सीकेंट एक्स आपके पास आ जाएगा प्लस ये ब्रैकेट में लॉग ऑफ सीकेंट एक्स माइनस सॉरी प्लस टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा।